हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इट्स आर स्टोरी। सो आज का जो व्लॉग है वो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट होने वाला है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द व्लॉग्स जिसके बारे में आप सब लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, स्पेशली द वंस हु आर इंटरेस्टेड इन TRK 502 और 502X, बिकॉज इस व्लॉग के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ काफ़ी सारी एक्सेसरीज जो कि बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं हम सब लोग जिन्होंने BS6 वर्जन लिया है कि कब वो इंडिया में अवेलेबल होगी। एक्चुअली इम्पोर्ट बहुत अफेक्ट हुआ है ड्यू टू कोविड, एंड देन उसके बाद कुछ इंडियन पॉलिसीज आ गई जिनकी वजह से चाइनीज़ ऐप्स जो हैं वो बैन हो गई थी। सो आफ्टर दैट हमें जो भी प्रोडक्ट चाहिए होते थे वो मेनली मलेशिया, चाइना ऐसी जगहों पे ही मिलते हैं इस बाइक के या फिर किसी भी बड़ी बाइक के। सो विद दैट रिस्पेक्टिव इंडिया में कोई खास मैन्युफैक्चर है नहीं, एंड जिसकी वजह से हमें इंपोर्ट ही करवाना पड़ता है। एंड फाइनली नाउ आई हैव दोज एक्सेसरीज जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। फॉर मी सम एक्सेसरीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द लुक्स एंड सम आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी ऑफ द बाइक, जैसे कि इंजन बैश गार्ड जो होता है आपका, उसके बाद रेडिएटर ग्रिल जो होती है, विंडशील्ड एक्सटेंडर जो होता है। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा एक एक करके। सो जो सबसे पहली एक्सेसरीज़ है वो है ये बल्ब्स। आई एम नॉट श्योर आपको कितना दिख रहा है, बट मैं आपको क्लोज लुक बाद में दिखाता हूँ। सो ये नाइट आई के बल्ब हैं जो कि 2000 रुपीज़ का पेयर आ जाता है TRK के अंदर, H7 लगता है। ये जो नाइट आई के बल्ब हैं ये प्लग एंड प्ले है, दैट्स वे इसका कोई मैंने स्पेसिफिकली इंस्टॉलेशन वीडियो नहीं बनाया। तो अभी सोचा कि चलो वॉशिंग करवा लें, बिकॉज एक्सेसरीज लगाने से पहले वॉशिंग कराना ज़रूरी है। सो अभी हम आ गए हैं लाली ऑटो सेंटर, सबसे पहले होगी वॉशिंग, एंड वॉशिंग के बाद हम बात करते हैं अगर वो एक्सेसरीज भी लगवा दें। वॉशिंग हो जाएगी और सामान भी लगवाना है, कल बात करके गए थे, किससे बात हुई थी। सो अभी चेन क्लीनर मैं लेकर आया हूँ, सो सबसे पहले हम एक बार चेन क्लीनर मार देते हैं इसके ऊपर। इससे सारी की सारी ग्रीस ऑयल सब कुछ निकल जाएगा, फिर बाद में हम चेन ल्यूब मार लेंगे। दिस इज द चेन क्लीनर मोड्यूल का, विच यू कैन गेट ऑनलाइन। चेन आप देख सकते हो एकदम ब्रांड न्यू चमक रही है। तो वॉशिंग के बाद आप एयरगन ज़रूर लगवाएं ताकि आपकी बाइक पे जंग ना लगे। तो जंग से बचना है तो थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी। सो नंबर वन एक्सेसरी है ये आपका नाइट आई का बल्ब जो कि प्लग एंड प्ले है, आपका यहाँ से बहुत आराम से लग जाएगा। ये इसका फ़ैन है। सेकेंड एक्सेसरी है आपकी हेडलाइट ग्रिल जो कि इस तरह से फिट होगी, और इसके बाद एक नट आपका यहाँ पे, एक नट यहाँ लगेगा, दो इसके यहाँ पे। तो सारे नट बोल्ट्स आपको इसी के साथ बीच में मिल जाएंगे। ये वाला हिस्सा बाहर आएगा वरना ये आपका बाइक पे टच होगा। ये जो राइट वाला नट है ये बाइक में लगा हुआ आया था, और ये जो लेफ़्ट वाला नट है ये हेडलाइट ग्रिल के साथ आया था। इन दोनों के सर्कमफ्रेंस जो डायमीटर है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, दैट्स वाई हम ये स्टॉक वाला जो बाइक पे लगा हुआ था वही यूज़ करेंगे, ये आपका यूज़ नहीं होगा। ये यहाँ पे लग चुका है स्टॉक वाला जो बाइक का था उसी के साथ, और ये नट कुछ इस तरह से लग गया। हेडलाइट ग्रिल लग चुकी है और ऐसी दिख रही है कुछ नाइट आई की LEDs अब, बहुत बेहतरीन। एक्सेसरी नंबर टू है रेडिएटर की जो ग्रिल, सो दिस विल प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनी स्टोन कमिंग फ्रॉम द फ्रंट टायर। अगर फ्रंट टायर से कुछ भी उछल के आता है इसके ऊपर तो उससे प्रोटेक्ट करेगा। और ये इस तरह से कुछ लग जाएगी ग्रिल। एग्जिस्टिंग रेडिएटर गार्ड के ऊपर डायरेक्टली आप नट सुधार के लगा सकते हो, ये वही एग्जिस्टिंग नट यूज़ हो जाएगा, यहाँ के लिए आपको बड़ा नट चाहिए। ये है एक्सेसरी नंबर 4 जो कि आपका विंडशील्ड एक्सटेंडर है जो यहाँ पर लग जाएगा, और उसके बाद आपके हेलमेट पर जो एक्स्ट्रा एयर आती है हाईवे क्रूजिंग के टाइम पर वो नहीं आएगी, और विंटर्स में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपको ठंड नहीं लगेगी ज़्यादा। इसका इंस्टॉलेशन भी डायरेक्ट है ना राहुल, एलकीज आती हैं इसके साथ है ना, और नट्स आते हैं नट और रबड़, तो आप बहुत इजीली खोल के फिगर आउट कर सकते हो। इसमें कुछ ऐसे इतना रॉकेट साइंस नहीं है, सही लग रही है ना शेप वाइज, बीच में लगाइए बिल्कुल है, आप देखो एडजस्टेबल हो रही है ना, सही लग रही है, शेप वाइज भी अच्छी है। तो एल की से यहाँ पे छोटे छोटे नट जो है वो टाइट हो जाएंगे, उसके बाद आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको यूज़ में नहीं चाहिए आप इसको ऐसे नीचे कर सकते हो। ओहो हो 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 भाई, तेरे हाइट पे पूरा फेस पे आ रही है। नाइस। उसके बाद है रियर मास्टर सिलेंडर का जो केस, जो कि यहाँ पे आपका इजीली लग जाएगा और प्रोटेक्ट करेगा।
सिंस ये सिलेंडर अंदर की तरफ है और यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑलरेडी आपको ज़रूरत नहीं है, बट इट लुक्स गुड, दैट्स व्हाई मैं लगा रहा हूँ। तो ये आपका रिमूव हो जाएगा जो पहले वाला था और ये नया वाला लग जाएगा इस तरह से। उसके बाद आपकी ये बैश प्लेट आ जाएगी जिसके ऊपर TRK एम्बेडेड है और ये आगे तक आपका कवर करेगा। सो जो एग्जिस्टिंग वाली जो बैश प्लेट है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और जो नई वाली है वो आपका ऑयल फिल्टर भी कवर करेगी। सो एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हो जाएगी, फ्रंट से अगर कुछ स्टोन्स वगैरह आते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी। सो वो जो एग्जिस्टिंग स्टैंड लगा था वो आपका इस तरह से उतर जाएगा। इसको खोलने के बाद जो बैश प्लेट है उसके साथ एक और स्टैंड आया है, वो यहाँ पे एक्सटर्नल दो नट्स है उन पे लगे और ये कुछ इस तरह से लग जाएगा जो आपके साइड के नट्स खुले हैं वहाँ पे। बैश प्लेट जो था वो तो लग गया लाइक दिस। सो लग गई है ये विंडशील्ड जो कि हमारी एडजस्टेबल है कुछ इस तरह से, ऑन द गो एडजस्ट कर सकते हैं एंड इसके बाद यहाँ पे लॉक्स लगा सकते हैं। ये हेडलाइट ग्रिल लग चुकी है, नीचे हमारा रेडिएटर गार्ड और उसके बाद बैश प्लेट। एंड अब हम जा रहे हैं जिम। सो दिस इज़ अ 3-story जिम, फिटनेस फायर जिम, जहाँ पे हम वर्कआउट करते हैं। सो विल कैच अप लेटर। हैस्ता ला वीस्ता, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, इट्स आवर स्टोरी।